आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश की राजनीति में लगातार हलचलें चल रही हैं। मामला चुनाव का है और फिलहाल मामला यहां पर उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का है। भाई होना भी चाहिए, देश में सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य, जब यहाँ निकाय चुनाव होंगे यानी यहाँ पर गली की सरकार बनेगी कि गलियों में किसका राज चलेगा, तो निश्चित रूप से सरगर्मियां बढ़ना लाजमी भी है। क्योंकि यहाँ पर अगर चुनाव की बात करें तो तमाम तरह के चुनाव होते रहते हैं और हाल में जिस तरह से 2022 में योगी सरकार ने दोबारा यहाँ पर कार्यकाल संभाला है, उसके बाद से लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर है, पर यहाँ पर सरकार भी पूरी मेहनत के साथ यहाँ पर जनता के लिए काम करती नजर आ रही है। खैर, जनता की अपनी राय है, सरकार की अपनी राय है, पर तमाम बातें ऐसे होते हैं जिनकी समीक्षा करना भी जरूरी है। सरकार आदेश देती है पर कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं उनकी हीला बहाली भी नजर आती है और दिखाती है कि अगर राजधानी लखनऊ में हम बेहतर विकास का एक सपना पूरा नहीं कर सकते हैं तो फिर अन्य जिलों की बात क्या करेंगे। खैर, यहाँ पर चुनाव है और चुनाव के लिए सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। नामांकन आज पहले चरण का आखिरी दिन था और नामांकन हो गया है और तमाम कयासों से अलग यहाँ पर सबसे आखिरी में कल बीजेपी की लिस्ट जारी हुई और आज नामांकन भी खत्म हो गया पहले चरण का। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, तमाम पार्टियों ने अपने अपने नामांकन किए। इस नामांकन के दौरान वो जनता से अपनी जीत के वादे तो करते नजर आए, पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आखिर चुनाव का एजेंडा क्या होगा। जहां बीजेपी के तमाम नेता ये कहते नजर आए कि इस बार हम फिर अपने कामों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, यानी जो हमने मेहनत की है, जो हमने यहाँ पर ताकत लगाई है, जो हमने यहाँ पर चीजें की हैं, जनता के लिए काम किया है, आवास, रोड, पानी संबंधित तमाम महत्वपूर्ण जरूरतों पर हमने काम किया है, उसी व्यवस्थाओं के साथ हम यहाँ पर जाएंगे। पर अगर अन्य लोगों की बात करें, अन्य दलों की बात करें, तो यहाँ पर बात तो होती है पर यहाँ पर एजेंडा क्लियर नहीं होता है कि आखिर एजेंडा क्या है। सपा का एजेंडा क्या है, आम आदमी पार्टी का एजेंडा क्या है, क्या वही मुफ्त की राजनीति लेके आएंगे जो 22 विधानसभा चुनाव में लेकर आए थे, वहाँ पर कुछ नहीं मिला था, एक सीट भी नहीं जीत पाए थे, पर हाँ 17 के निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी को कुछ सफलता हासिल हुई थी, तो शायद उस सफलता से आगे बढ़कर यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण पद को जीत जाए। 17 मेयर चुनाव है, बड़ी जीत है और जीत किसकी होगी ये फिलहाल भविष्य के गर्भ में निहित है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि पार्टियों का एजेंडा क्या होगा, जनता के बीच किस वादे के साथ जाएंगे। क्योंकि अगर हम बात करें नालियों की तो उसके विकास की बात, उस दावे की बात जब बरसात आती है तो निकल जाती है कि दावा क्या था और हकीकत क्या है। खैर, हकीकत यहां पर केवल नाली की नहीं बल्कि हम कूड़े के ढेर की भी देखेंगे। हकीकत यहां हम कूड़े के ढेर की भी नहीं बल्कि गड्ढा मुक्त रोडों की देखेंगे। यहां पर हम बात देखेंगे कि जनता के लिए काम किया है। जैसे ही आपका बरसात होती है संक्रमण रोग भी फैलने लगते हैं, जब संक्रमित रोग फैलेंगे तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान भी आम जनता ही चुकाएगी। खैर, चर्चा विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, इसीलिए भी क्योंकि यहां पर चर्चा का आधार क्या होना चाहिए। प्रत्याशी बड़े जोर शोर से, बड़े उत्साह के साथ, बड़े बड़े नेताओं के साथ नामांकन तो करके आ गए हैं, अपनी जीत की बात तो कह रहे हैं, पर जीत की बुनियाद क्या होगी, इस जीत का एजेंडा क्या होगा, जीत के बाद जनता के लिए क्या करेंगे और जनता के बीच किस मुद्दे के साथ जाएंगे, ये महत्वपूर्ण यहां पर चर्चा विषय है। क्योंकि यह तमाम मुद्दे चलते हैं, अतिक अशरफ कांड भी चलता है, बात भी चलती है, अच्छाइयां भी चलती है, विकास के दावे भी चलते हैं, पर जनता की यह बात कोई नहीं करता। और जब तक जनता की बात नहीं होती है तो हम जैसे खबर बीसों की जिम्मेदारी है कि चुनाव हो या कुछ भी हो जनता की बात को जरूर उठाएंगे। और फिलहाल आज का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, मुद्दा है कि एजेंडा क्या है, निकाय चुनाव 24 का सेमीफाइनल और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जीत किसकी होगी। चर्चा में से महत्वपूर्ण है, हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। रूबरकाडू प्रेस भाजपा से अश्विनी शाही अपनी बात रखेंगे, नेता सभा से विवेक पांडे अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता आपसे प्रतपाल सिंह सलूजा अपनी बात रखेंगे, वरिष्ठ समाज सेवी के रूप में विवेक शर्मा अपनी बात रखेंगे और आरएलडी के फायरमैन प्रवक्ता रजनीकांत मिश्रा आज हमारे साथ मौजूद है, वो अपनी बात रखेंगे। आप सभी मेहमानों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा प्रवक्ता भाजपा से, अश्विनी भाई चुनाव सामने हैं, तमाम मुद्दे तो चलते रहते हैं, उन पर चर्चाएं होती रहती हैं, पर चूंकि आज पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन था, नामांकन भी हुए और बड़े जोर शोर, बड़े उत्साह के साथ,
और यहां तक कहा गया कि डबल इंजन नहीं, अब ट्रिपल इंजन सरकार के साथ हम आगे बढ़ेंगे, यानी गली की सरकार भी जो बनेगी वो भी अब बीजेपी की बनेगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसे भाजपा के तमाम बड़े नेताओं के दावे हैं। कैसे देखते हैं निकाय चुनाव, और क्या आप अपने कामों के दम पे जाएंगे या कुछ अलग नीति बनाइए इस एजेंडे को लेकर? देखिए, नीतियों में तो बदलाव समय समय पर आवश्यकता अनुसार होते रहते हैं जी, और हम ट्रिपल इंजन की ही सरकार लेकर चल रहे थे। अभी तक 16 नगर निगम में 14 हमारे ही मेयर हुआ करते हैं जी। कांग्रेस का तो मेयर बरेली में बहुत पहले कभी सुना जाता था कि होते थे, बाकी जी समाजवादी पार्टी 16 साल से बाहर है जी, तो इन लोगों के पास मेयर नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के पास ही मेयर था। और उसमें जो ये चुनाव आया है, इस चुनाव में बहुत से मुद्दे बदले हैं, बहुत सी परिस्थितियां बदली हैं, क्योंकि कोरोना आने के बाद ये चुनाव हो रहा है जी। और इस चुनाव में 37 सालों के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी दोबारा कोई उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है, लगातार बना है जी। तो अब ये परिस्थितियां बहुत चेंज है। कानून व्यवस्था का मामला शानदार है। अभी ये अतीक का की जो घटना हुई और उसके बेटे की जो घटना हुई, इसके बाद एक अभी टेलीविजन चैनल ने अभी थोड़ी एक घंटे पहले एक सर्वे किया जी। उसमें उस सर्वे में बताया कि इन सब घटनाओं में आम जनता कितनी खुश है। अच्छा, आम जनता, ये सरकार और विरोधी दल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, विरोधी दल हमारा विरोध करेंगे, वो नियम कानून की बात करेंगे, हम कहेंगे कि नहीं ये है, लेकिन आम जनता की बात हुई। अच्छा, और उसमें भारतीय जनता पार्टी को बेहतर दिखाया कि आम जनता कितनी खुश है कि राशन मिल रहा है, हमको शौचालय भी मिला, हमको हमारी महिलाओं को मकान भी मिला, और इन गुंडों से मुक्ति भी मिली। तो ये चीजें जो आम जनता के बीच में, आम जनता को देखिए जीडीपी से नहीं अंतर पड़ता है, उसको अंतर पड़ता है चीनी के भाव से जी। तो ये बड़ा चीज है। आज सरसों का भाव, सरसों का तेल देखिए, लेकिन सरसों का भी भाव देखिए कि पहले 3,000-2,500 से ऊपर आ जाता था, आज 7,000-5,000 रुपए से ऊपर जा रहा है भाव। तो ये चीजें सब तब चतुर्दिक जो है जनता के मन में एक विश्वास पैदा करती हैं, और वही समाजवादी पार्टी के साथ अभी भी गुंडों का साथ है। देखिए, एक वीरे यादव है हरदोई में, इनके अध्यक्ष, उन्होंने जानते क्या क्या गौरव जी, जी कि हम आपराधिक छवि के लोगों को टिकट देंगे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा उन्होंने, मैं नहीं बता रहा हूँ। अच्छा, भले ही वो अगर वो जीतने वाले हैं तो आपराधिक छवि के हैं तो भी देंगे, और वीरे यादव खुद ही हिस्ट्री सीटर है। तो ये लेकर अगर जनता के बीच में ये जाएंगे तो अवश्य ही भारतीय जनता पार्टी इनसे बेहतर साबित होगी, और नगर निगम चुनाव में फिर से हमारी जीत होगी। ठीक है, देव पांडे, भाजपा की फिर से जीत होने वाली है, आप चुनौती नहीं बन रहे हैं, आप आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को टिकट दे रहे हैं, ऐसा सुनी शाही बोल रहे हैं। खैर, पर मेरा प्रश्न केवल इतना है, क्या केवल सत्ता मैं नहीं बोल रहा हूँ गौरव भाई क्षमा चाहता हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, इनके जिलाध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं। वही आपने बताया, आपके माध्यम से मालूम पड़ा बे पांडे। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि क्या केवल सत्ता प्यासी भाजपा को ही आईना दिखाते रहेंगे या खुद का एजेंडा बनाए हैं चुनाव के लिए, क्या लेके जाएंगे जनता के बीच? पूरे मंच को बहुत धन्यवाद देता हूँ और सभी प्रत्याशियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ जी। और असली भाई देखिए, कहीं ना कहीं वरिष्ठ प्रवक्ता है हमारे बड़े भाई है, वो सत्ता में रह कर भी इस तरह से कभी कभी हल्के जी गंभीरता कभी कभी मुझे लगता है कि संयम छोड़ देती है। अच्छा, उदाहरण के लिए देता हूँ जी, निकाय चुनाव है, जमीनी स्तर का चुनाव है, गली मोहल्लों का चुनाव है। एक उदाहरण देता हूँ, अप्रैल में 40 गांव में पानी जो था कालीन नगरी में, कालीन नगरी भदोही जी, वहां पे जल ही जीवन जो इनका केंद्रीय योजना जो मिशन है, उसमें 40 गांव में पहुंचाने का एक टारगेट सेट किया गया था, केंद्र सरकार की योजना ये। 988 राजस्व गांव में एक गांव में भी पानी की आपूर्ति अब तक ये शुरू नहीं कर पाए। अच्छा, जालौन में अभी इन्होंने कानून व्यवस्था की बात की, भाई आज तो व्यवस्था कानून पे सवाल, इन्होंने कानून की व्यवस्था की दावे, आपको दिक्कत हो रही है, आपको सर्वे आ रहा, सुन लीजिए भाई, सुना लीजिए, हाँ सर्वे सर्वे का सब सुन लीजिए। बिल्कुल जनता खुश है, बहुत खुश है, ये अपनी प्रायोजित जो भी विज्ञापन वाली मीडिया जहाँ से ये लाभ देते हैं, या जो मीडिया को मत कोसा करिए, ये बहुत खराब बात है, कोई बार मीडिया कोसने लगते हैं भाई, मीडिया आपको भी कवरेज करने आती है, ये गलत बात है, विज्ञापन वाली मीडिया पर बोला करिए भाई जी। बेबे भाई गौरव भाई, ऐसा है कि फिर आप ही बात कर लीजिए, फिर आप मीडिया में कोसेंगे तो मैं तो बोलूंगा भाई, मीडिया में भी बैठा हूँ,
मैंने मीडिया पे कोसा ही नहीं, मेरी बात आपने आने नहीं दी पहले। बोलिए बोलिए। आज जालौन में 21 साल की रोशनी पेपर देके लौट रही थी, एक बिटिया बीए का पेपर था उसका जी। और उसकी कनपट्टी पे दो लोगों ने भरी बाजार में तमंचा सटाकर उसे गोली मार दी, उसकी हत्या कर दी जी। और उसके बाद आप मुझे कह रहे हैं मैं कोस रहा हूँ बैठ करके जी। कौन सा सर्वे लेकर के आए हैं भाई, कहां से ये सर्वे आया, कहां से ये सर्वे आया जिसमें कि ये नहीं बताया गया कि 21 साल की बिटिया को गोली मार दी गई कनपट्टी पे सटा करके वो भी। और इसको अगर आप कहते हैं कि ये सुशासन है तो भाई मुझे आपकी समझ पे कहीं ना कहीं अपरिपक्वता का संदेह है। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है, घटनाएं होती हैं, बिल्कुल होती हैं जी, बिल्कुल होती हैं, सुन लीजिए मेरी बात आ जाए। लेकिन जब बात नगर निकाय चुनाव की होती है तो अभी लखनऊ ने वो हालत, लखनऊ राजधानी है, लखनऊ ने वो हाल तो भूले नहीं है, पहली बारिश में किस तरह से नालियां जाम हो गई थी, गंदा पानी घरों में घुस गया था। अच्छा, उससे बड़ी बात आज पूरे लखनऊ की ही मैं बात कर दूं क्योंकि ज्यादातर हम लोग लखनऊ की परिपाटी पे से आते हैं। लखनऊ में कौन से क्षेत्र में मुझे बताइए कि पीने का पानी एकदम साफ आ रहा है, जिसमें बालू नहीं आ रहा है। अच्छा। आए दिन तो लखनऊ के किसी न किसी पेयजल में, किसी न किसी क्षेत्र मोहल्ले में पानी में बालू आ रहा है, मिट्टी आ रही है। कौन सी नदी ऐसी है जहां पे जलकुंभी नहीं तैर रही है, परिवार को लेकर जहां आप टहल सकते हैं अपने। नगर निकाय चुनाव की बात हो रही है, बिजली की बात कर लीजिए, बिजली की जो दाम है, बिजली की जो आपूर्ति हो रही है, उसके जो शुल्क है, क्या वो सरकार के वादों के अनुकूल है, आम जनमानस की जेब के अनुकूल है। उससे बड़ी बात अभी महंगाई की बात हो रही थी जी, अभी इन्होंने दो तीन उदाहरण भी दिए बड़े भाई साहब ने जी। लेकिन चलिए ठीक है, अगर महंगाई इतनी आपने नियंत्रित की है तो पहली बार पनीर पे, दूध पे, लस्सी पे जीएसटी लगा दिया आपने। इस देश के इतिहास में कम से कम दूध दही पे तो जीएसटी कभी नहीं लगा था। लेकिन कहीं ना कहीं महंगाई नियंत्रित करने में आप असफल रहे, ये बात तो सार्वभौमिक है जी। उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के इतिहास में महंगाई मुझे लगता है सबसे ज्यादा इस समय चरम सीमा पे चल रही है। तेल अच्छा। की बात करिए, डीजल की बात करिए, पेट्रोल की बात करिए। अच्छा, आप मुझे किसी एक वस्तु की तुलनात्मक अगर दर बता दें जिसमें कि पूर्ववर्ती सरकारों से मूल्यांकन कम हुआ है तो मैं मान लेता हूं कि ठीक है, इनके दावे बिल्कुल सत्य हैं। अच्छा, क्योंकि यहां आरोप लगाने की बात ही नहीं हो रही है, बात तुलनात्मक होनी चाहिए, यहां पे बात तुलनात्मक हो रही है। मेरे मैं वो आरोप प्रत्यारोप पे नहीं जाना चाहता, किसने क्या कहा, किसने क्या किया, यहाँ पे बात तुलनात्मक होगी। आप मुझे सरसों, तिलहन, गेहूं, आलू बता दीजिए जरा, पूर्ववर्ती सरकारों में, हमारी सरकार का ही डेटा दे दीजिए। चलिए कि आप बताइए, आपके दूसरे कार्यकाल की तुलना में हम आपके पहले का, हमारे पहले कार्यकाल से क्या क्या मूल्य वृद्धि नहीं हुई है, बताइए जरा, आप मुझे किसी का उदाहरण दे दीजिए, मैं इनसे जवाब ले लूंगा। पर मेरा सबसे प्रश्न ये है जो मैं डिबेट का मुद्दा है जी, कि मैंने आपसे शुरुआत में भी कहा कि केवल भाजपा ही कमी बताएंगे या फिर अपना कोई एजेंडा लेके आए जनता के बीच में, क्या करने वाले हैं अगर जीत के आते हैं आप, कोई नीति बीजेपी बुराई करते रहेंगे, बस समझ का फेर होता है, समझ का फेर। मैंने भी आपके सामने दो तीन उदाहरण रखे, लेकिन अब आप अपने एजेंडा पूछा, जो मैं आपके सामने ये बातें रख रहा हूँ इस मंच पे, क्या ये एजेंडा नहीं है? एजेंडा नहीं है क्या? नाली भराओ, सुन लीजिए, नाली भराओ आम जनमानस के लिए एजेंडा नहीं है क्या? सड़कों पे अगर पोल नहीं लग रहे हैं, लाइट है वो लाइटों की व्यवस्था नहीं है, वो आम जनमानस के लिए एजेंडा नहीं है? अच्छा, महंगाई पे सरकार नियंत्रण नहीं कर पा रही है, आम जनमानस का एजेंडा नहीं तो है? जो बीजेपी नहीं कर पाए आप करके दिखाएंगे, ये एजेंडा है? सुन लीजिए भाई जी, सुन लीजिए भाई जी, पीने के लिए शुद्ध जल उपलब्ध नहीं हो रहा है तो क्या ये एजेंडा नहीं होगा? अच्छा, कूड़ा अगर समय से नहीं उठाया जा रहा है तो क्या एजेंडा नहीं होगा जी? मतलब एजेंडा आप किसको मानते? चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, आप किसको एजेंडा मानते? एजेंडा वो मानते जो आप, जो आप किताब छपवाते हैं, मैनिफेस्टो की पूछता हूं, एजेंडा वो होता है जो मैनिफेस्टो आप छपवाते हैं और जनता के बीच जाते हैं कि पूरे होंगे वादे। आम आदमी पार्टी मुफ्त की राजनीति लेके आई थी, आप दूसरी बात करके आए थे जी, स्पष्ट है जी। नहीं, हमारा कोई हवा हवाई एजेंडा नहीं है, हम कोई करोड़ों नौकरी की बात देकर के जुमला नहीं बताएंगे, 15 लाख लाने की बात देकर के उसको जुमला नहीं साबित करेंगे। अच्छा, हमारा एजेंडा बहुत जमीनी है, आम जनमानस के प्रतिदिन दिनचर्या से जुड़े जितने विषय है वो सब हमारे एजेंडे हैं। ठीक है, और उसी एजेंडे पे समाजवादी पार्टी अपने योग्य प्रत्याशी उतारी है। अभी इन्होंने उदाहरण दिए, अभी इन्होंने एक उदाहरण दिया अपराधी हमारे, अगर मुझे लगता है कि थोड़ा इनको देखना चाहिए, उन्नाव में तो हमने टिकट काट दिया उसकी बैकग्राउंड आपराधिक साबित पता करने पे जिलाध्यक्ष ने वहां खबर चल गई, दूसरे काट दिया। तो मुझे लगता है, देखिए सुन लीजिए भाई, परिवारवाद को पोषित करने वाले और जो केवल केवल बातों से और बयानों से अपने ही बयानों को पलट करके असहज होने वाले बाद में, मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा तर्क जब होना चाहिए तो तुलनात्मक तर्क होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। और मैं आज इसीलिए किसी की दूसरे की बात नहीं कर रहा, मैं आपने निकाय चुनाव के एजेंडे पूछे, मैंने जमीनी स्तर की बात की आपसे। अच्छा, जमीनी स्तर की बात, यानी जो नहीं हुआ वो करेंगे। टोल की बात कर लीजिए, टोल की बात कर लीजिए, आम जनमानस सड़क पे यात्रा करती है, कई ऐसे टोल मैं आपको दिखा सकता हूँ जहाँ पे सड़कों की हालत खस्ता है लेकिन टोल वसूले जा रहे हैं। अच्छा, अरे भाई टोल किस लिए वसूला जाता है जरा बता दीजिए ना मुझे जी। गलियों में नालियां निकलने के लिए जो सीवर लाइनें हैं
सीवर लाइनें चोक हुई पड़ी हैं, उनमें कोई काम नहीं हो रहा है। नगर निगम इनका सोया हुआ है, नगर निगम केवल भ्रष्टाचार का अड्डा है, कभी प्रीपेड मीटर के नाम पे लूटते हैं, कभी बिजली के नाम पे, बिल के नाम पे लूटते हैं। ठीक है, बिजली विभाग के एक आपके सामने एक बात रख देता हूँ, सुन लीजिए, शायद आपके भी संज्ञान में आ जाए, हो सकता है आप इस पे न्यूज कवर करा ले। जी, बिजली विभाग में कुछ अधिकारी ऐसे हैं, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कई विशेष अधिकारी ऐसे हैं जिनके परिवार के सदस्यों को उनके नाम पे बिजली का लाभ मिल रहा है, क्योंकि बिजली विभाग में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत हूँ तो भी, बिजली विभाग में शायद जो कर्मचारी होते हैं उनको कुछ सब्सिडी मिलती है, उसका लाभ उनके परिवार के लोग ले रहे हैं। जैसे बेटी है, बेटी बिजली विभाग में लगी, बेटी की शादी हो गई, बेटी चली गई कहीं और, दूसरे गुड़गांव चली गई, या बेटी गाजियाबाद चली गई, मेरठ चली गई, ससुराल चली गई, उसके बाद भी उसके मायके वाले उसके नाम पे जो बिजली का कनेक्शन है उसका लाभ ले रहे हैं। बिजली चोरी हो रही है जम करके, आम जनमानस को बिजली नहीं मिल रही, किसान को बिजली नहीं मिल रही है, और बात कर रहे हैं बिजली की बचत नहीं कर पा रहे। ठीक है ठीक है ठीक है, प्रितपाल सिंह चलूजा, आम आदमी पार्टी। प्रितपाल भाई, आज आपकी मेयर प्रत्याशी ने नामांकन कर दिया, अंजू भट्ट नामांकन की तमाम बातें हुई, जीत के दावे उन्होंने किए, और 17 की अगर बात करें, 17 में आपको जीत हासिल हुई थी, 17 का निकाय चुनाव आपके लिए खराब नहीं मानूंगा भाई, नए रूप से आप लोग आए थे, उसके हिसाब से आपको पर चूंकि 23 का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है, और इस चुनाव में क्या एजेंडा रहने वाला है आम आदमी पार्टी का, क्योंकि तमाम तरह की बातें आप लोग करते हैं, स्कूलों की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, दिल्ली मॉडल की आप बात करते हैं, और आप खुद कहते हैं कि हम यहाँ पर बेहतर करेंगे, पर दिल्ली में तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो अब तक हल नहीं हो पाए हैं। मैं मानता हूं कि एमसीडी में आप लोग जीत कर आए हैं और बीजेपी की बादशाह खत्म की है, पर यमुना आज भी साफ नहीं हुई है और कूड़े के ढेर आज भी हैं, जो कि ये वीडियो हम भी देख चुके हैं, जहां पर आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल हरे रंग की मैट बिछा कर गए थे। क्या राय देंगे और क्या नीति रहेगी निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश के लिए आम आदमी पार्टी की? गौरव जी, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का 15 साल का कुशासन एमसीडी के भीतर था, जिसको वहां के जो समझदार जनता है उन्होंने उनको बाहर किया और आम आदमी पार्टी को वहां पे बैठाया। जी, रही बात यमुना की, जी, तो 2025 में यमुना इस काबिल हो जाएगी कि वहां का मुख्यमंत्री वहां पे स्नान करके दिखाएगा। अच्छा, ये उन्होंने अनाउंसमेंट कर रखा है, दो साल की बात है, दो साल में आपको वहां दिखने लगे। चलिए ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अब 4 तारीख को और 11 तारीख को चुनाव है यहाँ पे। जी, उत्तर प्रदेश की धरती के ऊपर हम चाहे 2017 में उतरे थे, तब भी हम यही नारे के साथ उतरे थे कि हाउस टैक्स हाफ करेंगे और पानी को जो है माफ करेंगे, यानी पानी का बिल पूरी तरह से माफ होगा और जो हाउस टैक्स है वो आधा होगा। अच्छा, मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की समझदार जनता को बता देना चाहता हूँ कि यही वो भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दावा कर रहे हैं कि सभी निगमों में हमारा मेयर है। अच्छा, मगर ये बात ध्यान रखिएगा, हाँ, यही वो भारतीय जनता पार्टी ने समाचार पत्रों में छपवाया था जी, कि जल्दी भारतीय जनता पार्टी की जो नगर निगम के मेयर हैं, हाँ, वो आपके हाउस टैक्स और जो पानी का टैक्स है उसको 4 गुना बढ़ाने वाले हैं जी। ये बहुत प्रमुखता से ये समाचार पत्रों में छपा था। अच्छा, मगर योगी आदित्यनाथ जी ने चुनाव को देखते हुए उसको दबा दिया, वो जनता के बीच में आने नहीं दिया। अच्छा, तो जो समझदार जनता इस बात को समझ ले, अगर भारतीय जनता पार्टी के मेयर को, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को चुनेगी तो आम आदमी पार्टी वाला वो नहीं मिलेगा जो आम आदमी पार्टी ने कहा है कि हाउस टैक्स हाफ होगा और पानी माफ होगा, ये बल्कि 4 गुना आपका बढ़ा देंगे। अच्छा, हाउस टैक्स भी बढ़ा देंगे और पानी भी बढ़ा देंगे। अच्छा, अब भारतीय जनता पार्टी कोई आज से राज नहीं कर रही नगर निगम के भीतर, वर्षों से राज कर रही है, वर्षों से इनके मेयर है, मगर क्या इन्होंने दिया? उत्तर प्रदेश की जनता ने भर भर के इनकी झोलियां भरी, इनको सेंट्रल में भी इनको सरकार बनाने का मौका दिया। अच्छा, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को 2 बार मौका दिया, नगर निगम में कई बार मौके दे चुकी है, मगर मिल क्या रहा बदले में इनको? अच्छा, जितने भी नगर निगम द्वारा संचालित स्कूल हैं, सब स्कूलों की बद से बदतर हालात हो चुके हैं। कई बार मैं अपने फेसबुक पे डाल चुका हूँ, कहीं दीवार नहीं है, कहीं शौचालय नहीं है, रूम में बैठने की जगह नहीं है, छत टूटी है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, बैठने की कुर्सियां नहीं है, ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी के मेयरों ने बना रखी है। अच्छा, अभी हाल ही में लखनऊ में समाचार पत्रों के माध्यम से ये सामने आया था कि जो डीजल भरा जाता है कूड़े वाली गाड़ियों में, उसमें 2000 करोड़ रुपए का घोटाला किया इन्होंने। अच्छा, वो छोटी रकम नहीं है, और इसकी जांच की भी संतुष्टि जो दी थी वो यही की जो मेयर है संयुक्ता भाटिया, उन्होंने दी थी, इसकी जांच की जाए, क्योंकि वहां तक बात पहुंच गई थी, समाचार पत्रों में छप गया था। इस बात को भी 6 महीने हो चुके हैं, मगर अभी तक वो जांच सामने नहीं है जनता के बीच, और चुनाव सामने आ गया। अब जनता जनार्दन
गौरव भाई समझदार हो गई है। अच्छा। और नाप तौल के काम करती है। अच्छा। जो दिल्ली का मॉडल है, अगर हम यहाँ अच्छा। पे जीतते आते हैं, जैसे दिल्ली में हमने एमसीडी में वादे किए हैं कि हम एमसीडी के जितने संचालित स्कूल है, अस्पताल है, नर्सेस है, डॉक्टर है, सब तो दुरुस्त करेंगे भाई, हम यहाँ संभाल रहेगा करेंगे और लोग इसको आगे बढ़ के ले भी रहे। प्रतिपाल भाई, अभी विधानसभा चुनाव हुआ था, शायद वोटर तो यही थे, पर आपकी नीतियों को, आपके एजेंडे को सिरे से नकार दिया था, एक सीट भी आपको नहीं मिल पाई थी। यहाँ भी आप सरकार बनाने जा रहे थे, गुजरात भी सरकार बनाने गए थे, है गुजरात में तो आपको यहाँ पर 13% वोट भी मिला, 5 विधायक भी आपके बने और राष्ट्रीय पार्टी का आपको दर्जा भी मिला, मेहनत यहाँ पर सफल हुई। पर यूपी की जनता जहाँ पर आप समझदार बोल रहे हैं, तो वो समझदारी निकाय चुनाव में कैसे सामने आ जाएगी जब विधानसभा चुनाव में आपको एक भी सीटें नहीं मिली? एजेंडा मेरे ख्याल से यही लेके गए थे, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, मुफ्त बिजली, मोहल्ला क्लिनिक, अच्छे विद्यालय, ये आपने तमाम बातें कही थी, मुझे याद है आपका मैनिफेस्टो था। पर जब 22 में नकार दिया, तो इस बार एक साल बाद ऐसी कौन सी आम आदमी पार्टी बेहतर व्यवस्था शुरू करने वाली है कि वही वोटर जिन्होंने विधानसभा चुनाव में आपको वोट नहीं दिया, इस बार वोट दे देंगे, जो आप यहाँ पर दावे कर रहे हैं अपने, बता दीजिए। गौरव जी, हम बहुत सहजता से इस बात को मानते हैं कि 2022 में हम जनता तक अपनी बात पहुंचाने में असफल रहे, जिसका नतीजा हम लोग को जीरो पे मिला, इसको मानते जी। मगर ऐसा भी नहीं है, हमारे कई प्रत्याशी 2022 में करीबन किसी को 35,000, किसी को 25,000, किसी को 27,000 वोट भी यहाँ पे मिले, बिल्कुल मिले। हम ऐसे स्थान पे भी रहे और गुजरात के भीतर 35 जगहों पे हम रनर अप रहे हैं, दूसरे स्थान पे रहे जी, बिल्कुल। 5 हमारे विधायक आए, 13% वोट मिले हैं। ऐसा नहीं है, जो गुजरात मॉडल कह के देश में राज कर रहे हैं जी, उनकी छाती पे चढ़ के हम लोग वहाँ पे 5 सीटें जीत के आते हैं। उससे पहले जो नगर निगम होता सूरत में, दूसरे नंबर की पार्टी उभर के आते हैं, 27 हमारे वहाँ सभासद जीत के आते हैं। अच्छा। अभी मध्य प्रदेश में सिंगरौली में हमारा मेयर जीत के आता है जी। तो आम आदमी पार्टी का मोराल बहुत ऊंचा है। अच्छा। हमारे कार्यकर्ताओं का मोराल बहुत ऊंचा है। अच्छा। हम जनता से जुड़ी हुई, जो जनता का सरोकार है, जो जनता की थाली देख ले, थाली में वो अपनी 13 मई को स्पष्ट हो जाएगा काम करते हैं, ठीक है, सबका पता चलेगा 13 मई को, ठीक है। रजनीकांत मिश्रा, प्रवक्ता राजनीति, रजनीकांत जी कैसे देखते हैं, सपा के सहयोगी दल हैं, प्रत्याशी उतर चुके हैं, लिस्ट जारी हो चुकी है, नामांकन भी हो चुका है पहले चरण का, चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है, विचारधारा क्या है? कि सपा का नेता सपा बता चुके हैं कि जो कमियां बीजेपी की, वही उनका एजेंडा है, चाहे सफाई की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे रोड की बात हो, या बिजली की बात हो, या अन्य व्यवस्थाओं की बात हो। देखिए, ये नगर निगम, टाउन एरिया, नगर पालिका का चुनाव है जी। इसमें अभी जैसे कि बात हो रही है, बात भी क्या सत्यता है कि इसमें भाजपा के मेयर ज्यादा रहे हैं। अच्छा। और ज्यादा समय से रहे हैं जी। तो सबसे बड़ी विफलता तो यही कि इतने दिन से आपके मेयर और आपके सब सभासद ज्यादा संख्या में रहे हैं जी, और आपने नगर निगमों की स्थिति को ठीक नहीं किया। ठीक नहीं किया। इतने दिन के बाद भी स्थिति जस की तस है जी। तो ये बातें तो स्पष्ट हैं कि आप इसमें फेल हैं। फेल हो गए। और आप इसको बढ़ा चढ़ा के बताया, जैसे हमारे सुनी शाही भाई ने कहा जी, कि अतीक अहमद का को गोली मारना और ये, और देश की जनता बड़ी खुश है, प्रदेश की जनता बहुत खुश है। अच्छा। एक सर्वे हो रहा है। तो अगर ये मुद्दा आपका है कि वो मार दिए जाए, वो कानून व्यवस्था को लेकर, कानून व्यवस्था को, तो कैसे जनता खुश है कानून व्यवस्था को लेके? ये बात मेरी थोड़ी ये दोहरी लगती है, मेरे समझ नहीं रहे। या अच्छा। तो ध्रुवीकरण करने का मामला है ये। अच्छा। या इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। अच्छा। देखिए, हम लोग चुनाव में जा रहे हैं, हम इनकी विफलताओं को जनता तक पहुंचाएंगे। अच्छा। जो जनता अब थोड़ी जागरूक हुई, बहुत सारे पानी बह गए हैं, और जो ध्रुवीकरण करके और जिस तरह से चुनाव कराए गए, ये आम लोग जान रहे हैं। और अभी आपने कहा 5 किलो राशन हमने दिया। अच्छा। जो राशन हम दे रहे हैं, ध्रुवीकरण आप लोग बोलते हो, आप लोग ध्रुवीकरण को नहीं मानते हैं क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं किसानों की बात करता हूँ, कामगारों की बात करता हूँ, और सर्व जाति की बात करता हूँ, और उस पर मैं चुनाव में जाता हूँ। मुझे कुछ नुकसान भी होता है, कुछ लाभ भी मिलता है, लेकिन मैं अपने मुद्दों से विचलित नहीं होता। अच्छा। ये एकदम कट सत्य है। इसको आप चाहें तो आप इसको आप तो खुद ही, आपके पास दुनिया भर की इसकी जानकारी होनी चाहिए। मेरे नेता गाँव में जगह जगह जाके हम भाईचारा की बात करते हैं, और हमने तो आम सद्भावना सम्मेलन के माध्यम से जातियों को, सारे जातियों को एक करने का काम किया है। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, नहीं मिली आपको? नहीं मिली हमको सीटें मिली, हमने जीता भी जी। जितनी सीटें हमें सपा से मिली थी, मिली आपको, हमने जीता, और हम 500 वोट के अंतर से हारे हैं। अच्छा। हम 140 वोट के अंतर से हारे हैं। हार तो हार है, अब हार गए हैं
तो हम मान लेते हैं कि हम हार गए हैं, अच्छा, लेकिन बात तो समझ में आती है कि हम कैसे हार गए हैं। अच्छा, 143 तो आपकी नीति का एजेंडा क्या रहेगा? हमारा एजेंडा यही है कि नगर निगम में देखिए जल जमाव है, प्राइमरी स्कूलों में बच्चों के फीस का मामला है, अच्छा, बिजली का मामला है, रोडों का मामला है, जो आज तक कूड़े के ढेर हैं, आप देखिए जहां पड़े हैं वहां से बदबू आती है, अगर आप शिकायत न करें तो वहां से उठेगी नहीं जी। आप जो है आप नक्शा पास कराने चले जाइए, वहां पे देख लीजिए, आप नगर निगम में चले जाइए, बिना पैसे के कोई काम नहीं होने हैं जी। ये सारी चीजें लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं, अच्छा, और हम इसी इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, बीजेपी प्रवक्ता पे आपने जो इस तरह बोल दिया कि जनता खुश है, तो जनता बोले हैं, वो बोले, हमने नहीं बोला है, उन्होंने बोला है, उन्होंने बोला है, तो दोनों ने कहा जनता खुश है, जनता खुश है, राशन दे रहे हैं और ये सब घटनाएं हो रही है, जनता खुश है, आपने बोला है, साहब बोला है, साहब हमारे अश्विनी साई भाई ने बोला इस बात को, जनता खुश, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, मैं अपनी बात को नहीं कर रहा हूं। अगर जनता खुश है तो कोई तकलीफ नहीं? नहीं, हमें तो तकलीफ नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं जनता खुश है ना, साई जी ये उनका अपना सर्वे है, जनता खुश है। विवेक शर्मा साई जी आप जवाब देता हूँ, विवेक शर्मा जी समाज सेवी है, जनता के मुद्दे उठाते रहते हैं, आपकी क्या राय है, कौन पार्टी यहाँ पर अपना परचम लहराएगी, और सभी पार्टियों का एजेंडे अलग अलग है, कोई कमी बताता है, कोई नई नीति की बात करता है, कोई मुफ्त की बात करता है, आपके मुताबिक क्या होना चाहिए और क्या कमियां हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में देखी जा रही हैं और इसको लेकर लगातार आप प्रयासरत रहते हैं, आपकी क्या राय है जी? गौरव जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। निकाय चुनाव शुरुआत हुई और आपने इस डिबेट के माध्यम से हम लोगों की आम जनता की बात, जो फुटबॉल बनी हुई जनता है उसकी बात सरकार के सामने रखने का मौका दिया जी। अश्विनी साई जी मेरी बात को ध्यान रखिएगा, फुटबॉल बनी जनता, अच्छा, आप चाहे दो इंजन की डबल इंजन की सरकार बना लीजिए, ट्रिपल इंजन की, लेकिन जनता है बेवकूफ रहेगी, फुटबॉल बनी रहेगी। अच्छा, कारण क्या है कि ये नहीं देखा जा रहा है कि यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, इतना जो गंदगी आप देख रहे हैं, ये नाले पे अतिक्रमण देख रहे हैं, या ये जो यहाँ पर इतना प्रॉब्लम देख रहे हैं कि यहाँ जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं, इसका कारण क्या है? अच्छा, इसका मुख्य कारण मैं आपको बताता हूँ, जो अभी तक किसी भी हमारे जो भी हम लोग यहाँ पर सब बैठे हुए हैं उस पर किसी ने बात नहीं किया। देखिए 5 लाख की आबादी पर एक नगर निगम बनाई जाती थी जी, बिल्कुल, जिसको सुरेश खन्ना जी के माध्यम से शाहजहानपुर में, क्योंकि 5 लाख की नहीं थी आबादी, 3 लाख की थी, तो उन्होंने उसको संशोधन करके 3 लाख पर कर दिया। हमारे यहाँ की 20 लाख की आबादी है लखनऊ की, और एक नगर निगम काम कर रहा है। अच्छा, तो क्या आप बन जाए, और इसके अलावा 88 गांव अभी फिर जोड़ दिए गए 110 वार्डों में, तो क्या आप इसको मानते हैं कि 88 गांव की जो जनता है उसको प्रॉपर साफ सफाई या जो मिलना चाहिए वो मिल पाएगा क्या नगर निगम से? अच्छा, नहीं हो पाएगा जी। जब तक ये ट्रांस गोमती और सीस गोमती जो यहाँ पर लखनऊ में चल रहा है, दो दो विभाग, कोई भी विभाग आप देख लीजिए, चाहे बिजली विभाग देख लीजिए, इसमें भी दो विभाग बने, ट्रांस गोमती सीस गोमती जी, आप दो नगर निगम क्यों नहीं बनाते जी? इस मुद्दे को उठाया था जी, लेकिन क्योंकि आज समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, इन्हीं के पूर्व आपके नगर विकास मंत्री थे आजम खान साहब, इन्होंने इस मुद्दे को उठाया था और इस पर एक फाइल और एक प्रोसेस चालू किया था। अच्छा, जो कि आज भी माननीय मुख्यमंत्री हमारे जो भाजपा के हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उनके ऑफिस पे की टेबल पर धूल खा रही है। अच्छा, उन्होंने उसको अनुमोदित नहीं किया। अच्छा, उन्होंने भी माना था कि यहाँ पर जब तक दो नगर निगम नहीं बनेंगे लोगों को सहूलियतें नहीं मिलेंगी। अच्छा, जिसका यही कारण है कि जगह जगह आप कूड़े का ढेर बजबजा रहा है, गंदगी उत्पन्न है, नालों पर अतिक्रमण हो गया है, अधिकारी केवल जब जलभराव होता है तो पानी में उतर कर फोटो सेशन करा लेते हैं। अच्छा, उसमें विधायक लोग भी आकर अपना अपना हाथ धो लेते हैं। अच्छा, कि साहब हमने भी यहाँ पर देखिए अधिकारियों को बुलवा के पानी में उतरवा दिया। अच्छा, तो इससे कोई हल नहीं होगा। आज आपको मैं बता दूं, ये जो आज पार्षदी का चुनाव है इसमें भाजपा के जो कर्मठ कार्यकर्ता थे उनको टिकट नहीं दिया गया। अच्छा, जैसा कि मुझे सुनने में आया, क्योंकि मैं तो एक आम जनता हूं, फैजुल्लागंज की ममता त्रिपाठी जी हैं, बहुत अच्छी कार्यकर्ता थी जी, इनके विधायक ने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। अच्छा, उनको टिकट नहीं मिल पाया, तो आज उन्होंने निर्दलीय भर दिया, आज उन्होंने निर्दलीय भर दिया, और वो काम कराएंगी। जो काम कराने वाले लोग हैं उनको ये साइडलाइन रखते हैं। अच्छा, ये पैराशूट वाले लोगों को सबसे ज्यादा टिकट बांटने का काम करते हैं। क्यों?
अब और क्या, अभी अभी आपको और बताऊं गौरव जी, सहारा स्टेट में वर्तिका गुप्ता जी हैं, आज पूरे सहारा स्टेट ने एकजुट होकर यह कह दिया कि भारी हम किसी भी उसको नहीं देंगे, वोट नहीं, सपोर्ट नहीं करेंगे किसी भी पार्षद को, हमारे हमारे सहारा स्टेट का पार्षद रहेगा, हम उसी को वोट देंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जल भराव वहीं पर होता है जी, लोग वहां पर घरों के अंदर कैद हो जाते हैं जी, क्यों नहीं देखती सरकार जी, क्यों नहीं देखते अधिकारी, केवल जिस समय जल भराव होता है तो फोटो सेशन के लिए सुबह 3 बजे 3:30 बजे 4 बजे बड़े बड़े अधिकारी जी, जो यहाँ के बड़े बड़े अधिकारी हैं वो उतर पड़ते हैं। अच्छा, आज आप देखिए पूरे पूरे लखनऊ में जो कूड़ा बजबजा रहा है, आपने अच्छा, देखा भी होगा और आप तो शायद मेरे संग ट्विटर पे भी जुड़े हुए हैं, आपके इसमें प्राइम टीवी ने चलाया भी है, मैंने कितने कूड़े के ढेरों कर लगातार ट्वीट किया जी, क्या वहां से अभी तक उठना चालू हुआ, आज भी बजबजा रहे हैं। ये कारण यही है कि जब तक यहाँ पर दो नगर निगम नहीं बनेंगी तब तक देखिए हम तो आम जनता हैं, जहां चाहेंगे वहां वोट देंगे, वहां आपको सपोर्ट करेंगे और भाई जय जयकार करते रहेंगे, लेकिन हमारी सुविधाएं कौन उपलब्ध कराएगा उसके लिए शाही साहब आप ही को देखना है। ठीक है, अब शाही साहब जवाब दे, शाही साहब सबकी बात है, सबको सुनिए, विवेक पांडे प्रवक्ता, आप प्रवक्ता रालोद और विवेक शर्मा, रजनीकांत जी की बात पे कोई उंगली उठा रहे थे कुछ भी। हाँ, अभी अभी नालेक पर अतिक्रमण की बात आई जी, हम लोग जब अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाते हैं जी, तो यही विरोधी दल के लोग, अभी तो हमारे जो विश्लेषक थे तो आम जनता की बात कर रहे थे कि हम आम जनता है, लेकिन हम विरोधी दलों की बात कर रहे हैं जी, विरोधी दल खड़े हो जाते हैं कि आखिर ये कहां जाएंगे, इनको क्यों हटाया जा रहा है, इनको निर्वासित किया जा रहा है, और दूसरी तरफ आम जनता कह रही है कि नाले पर अतिक्रमण है जी, तो यानी कि सरकार बेहतर काम कर रही है और विरोधी दल उस पर रोकने का काम कर रहे हैं, इसलिए ये काम में बाधा डाल रहे हैं। ठीक, कूड़े की बात इन्होंने किया और स्पष्ट है, मैं भी लखनऊ शहर में रहता हूँ जी, कूड़े के मामले में मैं इनकी बात से आंशिक सहमत हूँ जी, इसलिए आंशिक सहमत हूँ कि कूड़े का जो काम दिया गया था जिस फर्म को जी, उस फर्म कंपनी ने कुछ बदमाशी किया जी, अब उसकी वो ब्लैकलिस्टेड कर दी गई है, रिकवरी हो रही है उसकी, और नए सिरे से कूड़े का फिर से जो है, अश्विन साहब इसमें करेक्ट करिए, उसमें 11.5 करोड़ रुपए उसको दिया गया है, आप उससे रिकवरी नहीं हो रही है, उसको क्यों दिया गया 11.5 करोड़ रुपए, और अश्विन सर सुनिए मैं आपको बताऊं, ये आज से नहीं है, ये जो चाइनीज सर, ये जो चाइनीज कंपनी है ना, अरे अश्विन सर मेरी बात भी समझ लें, ये जो आज कंपनी के लिए देखा गया है या करा गया है, ये आज से नहीं सर, ये 3 साल पहले जिस समय पर ये कोरोना चालू हुआ था उस समय हम लोगों ने, मैं लखनऊ जन कल्याण महासमिति का उपाध्यक्ष हूँ, हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर भी उनको ये संज्ञान में लाए थे कि ये चाइनीज कंपनी जो है केवल और केवल कूड़ा इकट्ठा करवा रही है और कोरोना बढ़ा रही है, लेकिन उस पर कभी भी कोई ध्यान नहीं दिया। मैं चाइनीज कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं जी, मैं यहाँ हिंदुस्तान और लखनऊ की कंपनी की बात कर रहा हूँ जी, सर उसी हिंदुस्तान में ने काम दिया उसको, अरे भाई आप बीच में बोलेंगे तो जवाब कैसे पाएंगे, जी बताइए सर, थोड़ा सा धीरज रखिए भाई सर, जवाब देंगे बोलिए, मैं किसी को देख नहीं पा रहा हूँ, मैं कहीं बाहर से हूँ, तो थोड़ा सा जी जी बोलिए, मतलब रहम किया करिए आप लोग, बोलिए, तो उसमें मैं रिकवरी की बात कर रहा हूँ, जिसको भी पेमेंट दिया गया गलत पेमेंट, जिसको भी जिस अधिकारी ने दिया होगा वो दंडित होगा। अच्छा। ये मैं बड़े फक्र से कह सकता हूँ इस सरकार में कि अगर किसी ने गलत किया है तो दंडित होगा वो। ये कूड़ा उठाने की, कूड़ा निस्तारण की जो व्यवस्था है, एक मुझे लग रहा है कि 1-2 महीने के अंदर पूरे तरीके से पटरी पर आ जाएगी, क्योंकि मैंने 1 हफ्ता नहीं कहा कि 1 हफ्ते में हो जाएगा। अच्छा। अभी बीच में आपको पता है कि माननीय मंत्री जी ने, शर्मा जी ने कूड़ा, जहां कूड़ा घर था वहां पर साफ सफाई करके, और गौरव जी ने इस पर एक वो भी किया था, शो किया था, हम लोग बैठे थे, विवेक जी भी थे शायद होते जी, वहां पर जो है चूना छिड़कवाकर और पूरा कार्यक्रम किया था जी, लेकिन चीजें कभी कभी विसंगतियां हो जाती हैं कंपनियों को जो इस कारण से, कुछ कारण होती है, सरकार का बड़ा शहर है हम लोगों का। तीसरी बात मैं आना चाहता हूं कि विवेक भाई ने कहा कि महंगाई कितनी बढ़ गई है जीएसटी और वो, आज आपको खुशखबरी दे दें, फरवरी में थोक महंगाई दर 3.85 था जी, और आज ही वाणिज्य मंत्रालय ने थोक महंगाई दर घोषित किया है 1.34 जी, आज ही घोषित किया है जी, और खुदरा महंगाई दर 15 महीने के निचले स्तर पर 5.66 जो कि 6.52 थी जी, भारत सरकार काम कर रही, उसका कारण है
ये थोक महंगाई दर जो नीचे आया है उसमें क्या क्या कम हुआ है, खनिज रबड़ और प्लास्टिक उत्पादों, कच्चा पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कागज उत्पाद, बहुत ऐसे ही चीजें हैं जिसके दामों में कमी आई है जी। और बहुत जल्दी कुछ खाने वाले पदार्थ जो जरूरत के सामान हमारे हैं, सरकार विचार कर रही है कि उस पर जीएसटी कम किया जाए। अच्छा, तो ये भी आप लोगों को सुविधा ये मिलने वाली है। जनता के कल्याण के लिए भारत सरकार हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो, काम करता ही रहेगा। और जितनी सुविधाएं ये लोग एक वो फैलाते हैं, भ्रम फैलाते हैं, भ्रम फैलाते हैं। अच्छा, देखिए मैं क्या अब उसका तथ्यों के साथ देता हूं जवाब। ये लोग भ्रम फैलाते हैं, आपने दही पर लगा दिया जीएसटी, आपने इस पर लगा दिया। भाई जीएसटी दही पर पहले टैक्स लगता था, ट्रेड टैक्स लगता था डब्बा बंद दही पर जी। आज लखनऊ शहर में किसी भी मिल्क पार्लर पर चले जाइए, दही खरीदिए, जीएसटी लेता है वो? नहीं लेता है। आप चावल खरीदते हैं, खुला चावल खरीद कर ले आइए, कोई जीएसटी नहीं लेता है। लेकिन अगर आप वही डिब्बा बंद और पैक लेके आते हैं तो उस पर जीएसटी लगता है। तो ये भ्रम फैलाते हैं, दही पर लग गया, दूध पर लग गया, फलाने पर लग गया, ढिमाके पर लग गया, बंद पर नहीं लग गया। तो ये जनता को भ्रम फैलाने का काम करते हैं। हमारा ये भाई वो भी दुकान खोलकर बैठे हैं, उनकी भी बिक्री बढ़ाइए ना। लेकिन ये लोग तो मॉल वाले हैं, मॉल में जाएंगे डब्बा बंद उठाएंगे तो जीएसटी लेंगे, वो लेगा ही लेगा। वो रेहड़ी पटरी पर जो एक मिल्क बार वाला बैठा हुआ है, उसके उसकी बिक्री नहीं बढ़ा, उस गरीब आदमी की बिक्री नहीं बढ़ाएंगे ये लोग, बड़े खराब। और यहाँ आकर भ्रम फैलाएंगे, जीएसटी दिया जाना। सपा वाले बहुत खराब आदमी भाई, खुले में ले जाएंगे। वाले नहीं खराब है जी, सपा वाले भ्रम फैला रहे। इसीलिए जनता आज जो आया है, एक राष्ट्रीय चैनल की मैं बात कर रहा हूँ, उस पर आया है कि आज बेहतर कानून व्यवस्था और ये सब घटनाएं जो हुई है उससे उत्तर प्रदेश की जनता में उत्साह है। हाँ, कुछ लोग जो उनको अपने बगीचे में लगाकर फूल उगाते थे गमले में, समाजवादी पार्टी टाइप, अच्छा, ये लोग जरूर बिलबिला रहे हैं। और रामगोपाल जी ने तो आज वो बयान दे दिया कि जो बयान जो है माननीय मुलायम सिंह यादव जी के रामपुर कांड वाले में दिया था कि बच्चों से गलती हो जाती है, अच्छा, वही बयान आज दिया है। और रामगोपाल जी का बयान सुनिएगा। अच्छा, तो ये सब मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ये निकाय चुनाव फिर से जीतने जा रही है। ठीक है, और स्पष्ट रूप से फिर से हमारे सारे नगर 17 नगर निगम अब हो गया है, और फिर से हम मैक्सिमम नगर निगमों पर अपना मेयर बैठाने जा रहे हैं। बे पांडे, आप बहुत देर से उंगली उठा रहे थे भाई, वो मुस्कुरा बहुत रहे थे। असली साहिब ने ऐसी कौन सी बात बोल दी मुस्कुरा भाई? ये तो बोला है थोड़े थोड़े गरीब आदमियों की बिक्री करा दी जा करिए, जरूरी है मॉल से जाकर लेंगे आप लोग? नहीं नहीं, खुले में ले लिया करिए। मैं तो देखिए बड़े धैर्य पूर्वक अश्विनी भाई की बातों को सुन रहा था। इन्होंने कहा विरोधी दल अतिक्रमण पे सवाल उठाने लगता है कि कहां जाएंगे, कैसे जाएंगे। भाई मुझे लगता है अश्विनी भाई को अपने थोड़ा मुख्यमंत्री के शब्दों को सुनना चाहिए, उनके भाषणों को भी याद करना चाहिए। अच्छा, ये योगी आदित्यनाथ के शब्द थे कि अतिक्रमण निचले तबके का जब भी हटाया जाएगा तो पहले उनको दूसरी जगह की व्यवस्था कराई जाएगी, किसी भी गरीब को अतिक्रमण के नाम पे परेशान न किया जाए। ये बात अलग है कि अश्विनी भाई एक प्रवक्ता होकर ही जब अपने मुख्यमंत्री की बात नहीं मानते या नहीं जानते तो फिर अधिकारी कहां से सुनने के लिए तैयार होंगे। चलिए ठीक है, ठीक है। दूसरी बात पे आता हूं भाई, स्मृति ईरानी तो मुझे लगता है भ्रम फैलाने की ब्रांड एम्बेसडर थी। अच्छा, जो 460 रुपए के सिलेंडर पे रुदन प्रलाप करती थी सड़कों पे लेकर के, प्याज सर पे रख करके, और आज जो है 1200 रुपए का सिलेंडर, अगर मुझे लगता है तब तो 460 रुपए हम तो फिर, ये तो मुझे लगता है पूर्ववर्ती सरकार ही राजस्व में योगदान दे रही थी। दूसरी बात, तीसरी बात पे आते हैं, सबसे बड़ी बात इन्होंने क्या कही कि महंगाई पे नियंत्रण। भाई जब पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कच्चे तेल सस्ते प्रति बैरल सस्ते दाम पे बिक रहे थे तभी भी तो ये 100 रुपए डीजल और पेट्रोल के दाम पे बेच रहे थे। भाई जब सस्ता था तेल अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, उस समय भी आपकी खपत और खरीदी के अनुसार जो देश में बेचा जा रहा था उसकी तुलनात्मक जरा मुझे मूल्य वृद्धि बता दे या मूल्य का वो बता दे तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ विपक्ष आरोप लगाता है। तीसरी बात हो गई मेरी, चौथी बात पे आता हूँ। इन्होंने कहा खुदरा व्यापारी, अब मुझे ये नहीं पता कि आखिरी बार अश्विनी भाई ने मेरे घर में सामान कब भिजवाया था खुदरा व्यापारियों से खरीद के भाई, क्योंकि मुझे तो ये पता था कि मैं खुद खुदरा व्यापारियों से खरीद के लाता हूँ। अरे अभी इन्होंने कहा ना कि इनको यहाँ से लेना चाहिए, वहां से लेना, अब मैं कहाँ से लेता हूँ, अश्विनी भाई को यहाँ तक पता है। तो ये बात भी सही है कि पेगासिस भी कहीं ना कहीं सबके मोबाइल में सक्रिय है। अच्छा, ये तो ये इसी बात को सार्थक कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि भाई हम किससे क्या बात कर रहे हैं, कितनी खरीद कितनी फरोख्त हो रही है, सब इनके पास डेटा है। अच्छा, चलिए इसके लिए भी बधाई। लेकिन एक सवाल पूछूंगा अश्विनी भाई से, बड़ा डंके की चोट पे जो नरेंद्र मोदी ने एक डंका बजाया था डबरू की तरह से, 15 लाख लाने का वादा, 100 दिनों में 30,500 करोड़ काला धन लाने का, आज तक एक नाम नहीं बता पाए आप किसी काले धन वाले का जी। एक नाम, एक लिस्ट जारी नहीं कर पाए।
इतना फेंकू है क्या आपकी पार्टी में लोग, इतना फेंकते हैं क्या? अच्छा, चुनावी माहौल के समय इतनी बड़ी बड़ी फेंकते हैं कि एक नाम तक बात आने दीजिए। आज अमित शाह की रैली में सुन रहा हूँ कि 11 लोगों की मौत हो गई, 600 लू से पीड़ित 50 से अधिक अस्पताल में भर्ती, 42 सेंटीग्रेड में लोगों की भीड़ का जमावड़ा लगा करके खुद तो मंच पे एसी की हवा खाते हुए बयानबाजी करते हैं। आम जनमानस के प्रति भाजपा की जवाबदेही यही है कि जैसे वहां पर आज देखिए कोई डिबेट में, ये डिबेट कोई नहीं कर रहा है, गृह मंत्री के रैली में इस तरीके से लोग पीड़ित हो गए और उसमें 11 लोगों की मौत भी हो गई, इसमें कोई डिबेट नहीं होगी। अच्छा, लेकिन बात आम जनमानस के प्रति ये दर्शाता है इनका नजरिया कि क्या दायित्व है। खुद एसी के मंचों पे खड़े होकर के आम जनमानस को धूप में बिठा दिया, अब वो जिए मरे क्या करना है, जनता तो वही देश की, भाई जनता का चुनाव है, हम विपक्ष है, हम भी बोलने योग्य नहीं है, बात सही है अश्विनी भाई की, क्योंकि जनता ने चुना है। कानून व्यवस्था की बात पे मैंने जालौन का एक उदाहरण प्रस्तुत किया, 21 साल की बिटिया को गोली मार दी, ये सर्वे के पहले मारी गई कि बाद में मारी गई, अश्विनी भाई जरा बताइएगा मुझे। अच्छा, और ये सर्वे जो आप सीमित लोगों से करवाते हैं इसको अगर आप माइलस्टोन मानते हैं, और सबसे बड़ी बात अभी इन्होंने क्या, अतीक अहमद नंदी के तो फोटो वायरल है उनके साथ सोफे पे बैठ के मुस्कुराते हुए, अतीक अहमद के फोटो वायरल सुन लीजिए। हाँ बस वही बात है, तो मुझे लगता है जो खुद पोषित कर रहे हैं, जो भागीदारी आपकी, हिस्सेदारी आपकी, सुविधा शुल्क आपका 5 करोड़ पे, तो आज तक आपका एक नेता मंत्री बोल नहीं पाया, नंदी की जांच के कनेक्शन नहीं हो पाए, उसकी जांच नहीं हो पाई कनेक्शन के, नंदी को क्लीन चिट दे दिया आपने, भाई सबकी हिस्सेदारी थी क्या? और सबसे बड़ी बात गौरव भाई, ये पूरे प्रकरण में एक बात जरूर कहूंगा मैं, जी बोलिए, ये जब से ये गोरखपुर के अग्रवाल बंधुओं का नाम आया है ना, तब से मुझे लगता है कि इस पे सक्रियता ज्यादा बढ़ गई है इस विषय पे लोगों की, और अभी भी इसकी जांच, ये तो अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के पास मुद्दा चला गया, अब जो होगा निष्पक्ष होगा सुप्रीम कोर्ट के अनुसार। आप तो भेज नहीं पाए, और मुझे लगता है कि आप तो भेज नहीं पाए, जंगल राज का सच आपको भेज नहीं पाए, अमिताभ ठाकुर और विशाल तिवारी भेजे, आप तो भेज ही नहीं पाए। दो सवाल एफआईआर तो इन्होंने कराई थी, 100 से अधिक FIR तो इन्होंने कराई थी, सही बात है, आप भी तो वही कह रहे हैं ना, बिल्कुल सही बात, हम तो मान लेते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, जो 100 से अधिक झूठ बोलने की बात कहा कह रही, आपको बुरा क्यों लग गया? नहीं नहीं, आप तो आप भाई याचिका यहाँ पर विशाल तिवारी ने और अमिताभ ठाकुर ने डाली है, अतीक अहमद पे जितनी भी धाराएं थी, जितने भी आरोप थे, जितने भी इनके अंसारी और अतीक अहमद या अन्य माफियाओं पे जितने भी FIR है, सब हाथ पड़ कराई बस। अच्छा, चलिए हम ये बोल देते हैं आपके लिए, अरे हमारे लिए क्यों बोल रहे हैं, बच जाएगा कम से कम जी, अरे हम तो आपके लिए कहेंगे, हमने तो देखा कई मीडिया एंकर, कई चैनलों पे ये चल रहा है, और कई चैनलों पे तो ये भी चल रहा था कि एनकाउंटर होगा, 4 दिन पहले से चल रहा था। अच्छा अच्छा, तो भाई पहले से खबर थी, आपको पता लगा, तो पहले से भी खबर थी, आप विरोध कर देते, रोक लेते एनकाउंटर को, अगर आपको इतना डरता रोक लेते भाई जी, मैं क्यों भाई, आपको जब मीडिया में दिख रहा था तो आप बोल लेते भाई, मुझे तो नहीं दिखा, आपको दिख रहा होगा जी, आपको इंट्यूशन हो रहे थे, आप जाके बोल लेते, बचा लीजिए, मीडिया का क्या, मीडिया का क्या ये स्तर हो गया है कि मीडिया किसी अपराधी, अरे आपको मीडिया से इतना बुरा है तो काय करवेस कराते हैं भाई, मत बुलाया करिए मीडिया को, पीसी बंद कर दीजिए, बाल लगा दीजिए, मीडिया कवरेज नहीं देंगे, मुझे चुन लीजिए कौन सी मीडिया को बुलानी है जी, मुझे आपत्ति मीडिया कर्मियों से तब होती है जब मीडिया विपक्ष से सवाल पूछता है और सत्ता, बिल्कुल पूछेंगे, अभी स्मृति सुन लीजिए विवेक भाई, अभी स्मृति ईरानी की आपने बात कही कि सिलेंडर लेके बैठ जाती है, आप कब बैठेंगे अपना बता दीजिए, आपने जालौन का सवाल पूछा, बिल्कुल पूछूंगा, जवाब लूंगा, पूछा कानून व्यवस्था की बात दोबारा, अभी पूछूंगा, इन्होंने दोबारा कानून व्यवस्था, अभी पूछूंगा, अभी पूछूंगा, पूछूंगा नहीं जी, पूछा क्यों नहीं, अभी पूछ लेता हूँ, अभी पूछ लेता हूँ बे पांडे, पर चूंकि यहाँ पर मुद्दा यहाँ पर ये है, आपने तमाम बातें कही, मैं आप ही की बात दोहरा रहा हूँ, आपने कहा स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके और प्याज की माला लेके बैठ जाती थी रोड पर, अरे आप भी बैठ जाइए, आप कब बैठेंगे, नहीं बैठती थी बताइए ना, अरे नहीं बैठती थी बताइए ना, आप कहाँ बैठे बताइए, बताइए, अरे हमें गिना दीजिए भाई, 22 के बाद कितना प्रदर्शन किए भाई जनता के लिए, गिना दीजिए, मैं पूछ रहा हूँ स्मृति ईरानी बैठती थी कि नहीं बैठती, बिल्कुल बैठती थी, बिल्कुल बैठती थी, मैंने देखा हूँ, तो विपक्ष में थी, तो विपक्ष में थी, आप भी बैठ जाइए विपक्ष में, जब इस देश को, जब इस सुन लीजिए, जब इस देश को सस्ते वस्तुएं सस्ते दामों पे उपलब्ध थी तब तो भ्रम फैला रहे थे ये लोग। अच्छा, आज जब महंगाई दुगनी, अरे मैं आपको साथ दे रहा हूँ, मैं तो साथ दे रहा हूँ, तो भाई मैं आपका साथ दे रहा हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ, जिस समाजवादी पार्टी वाले सिलेंडर और प्याज की माला पहन के बैठेंगे, मैं कवरेज करने आऊंगा, कोई मीडिया कवरेज करने आए अथवा ना आए, पता ही कब बैठेंगे बता दीजिए। अरे गौरव भाई आपकी वजह से तो हम लोग को शब्द में अपने शब्द रखने का मौका मिलता है, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, अन्यथा कितने मीडिया चैनल है देखिए, ईडीसीबीआई तक पहुंचा दी गई। अच्छा, ईडीसीबीआई पहुंचा दी गई मीडिया हाउसों में, छोड़ दीजिए इस बात को आप,
लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आज नगर निकाय के चुनाव पे जो बात हो रही है इसका ध्रुवीकरण करने का प्रयास है। ठीक है, कहीं ना कहीं जवाब देंगे, भाई को लेता हूं। ठीक है, जवाब दीजिए भाई, जल्दी जवाब दीजिए। जी देखिए, देखिए दो बातों का जवाब विवेक जी ने मांगा है, पॉइंटेड मैं जवाब देता हूं। जी ये एक तो इन्होंने आपने सवाल कर ही दिया, मैं बता रहा हूं कोई भी जी एक कोई भी एक प्रदर्शन जी सपा का विरोध में रहते हुए 6 सालों में महंगाई का नहीं हुआ है उत्तर प्रदेश की धरती। नंदी पे बताइए भाई, कोई भी नहीं हुआ। हमारे प्रदर्शन का छोड़िए, हम कर लेंगे, सब लोग बैठे हुए हैं, आपको दिक्कत है, सबके सामने मोबाइल हो रही है, सपा कहीं ना कहीं सामने। सब लोग देखें, 1 जनवरी 2014 को गैस का दाम 1240 रुपया आया नहीं, इनकी जो हालत, सब लोग देख सकते हैं, मुझे नहीं कुछ कहना, सब लोग टाइप करके देख सकते हैं, जवानों के बीच में, और वो गैस जो है लाइन लगानी पड़ती थी, शाम को बंद हो जाता था, उसके बाद डंडे पड़ते थे, आज एक फोन करिए गैस घर में होती है। लीजिए, प्याज का दाम 200 रुपए किलो दाल हम लोगों ने खरीदा है यूपीए गवर्नमेंट ने 2011 में, भाई पूछ लीजिएगा, 50 रुपए चीनी खरीदी है हमने, खरीदी है। दूसरी बात, आप लाइन ऑर्डर की बात कर रहे हैं, उसका जवाब देता, जवाब ले लीजिए पांडे, दूसरा जी उत्तर प्रदेश में एक घटना ये हुई है, निंदनीय है, मैं कहने में गुरेज नहीं है, मगर सिपाहियों की बहादुरी थी कि कोई प्रेस के भाई वहां, पत्रकार भाइयों की मौत होने से बच गई, नहीं तो एक बड़ा भीषण कांड हो जाता, उन सिपाहियों की बहादुरी थी, क्योंकि जो जितने अत्याधुनिक हथियार उनके पास थे और जहां से इनके कनेक्शन थे, चाहे दे रहे हो, चाहे इनका जो है किसी भी आईएसआई से रहे हो या वो विरोधी दल के नेता थे, नंदी के कनेक्शन विरोधी दल के बड़े नेताओं का के हाथ हाथों से मारे गए हों, जो भी हुआ, वहां पर हत्या कांड होने से बच गया, और उसके वजह से बच रहे हैं पूरे प्रदेश में। आप ये बताइए, ये लोग होते तो दंगा हो गया होता, आज उत्तर प्रदेश में पांडे अश्विनी भाई जी विवेक पांडे, अगर आपकी सरकार होती दंगा हो गया तो प्रयागराज में, बीपी सरकार दंगा नहीं हो पाया। इन्होंने अपने मंत्री पे कोई बात की, मेरा सवाल स्पेसिफिक है, अपने मंत्री की जांच करेंगे कि नहीं करेंगे, उनके कनेक्शन क्या है, ये कौन सी बात है भाई, जब मैंने कहा क्यों नहीं जांच, जो भी आरोपी होगा के फोटो खिंचवा रहा है सोफे पे, जिसका नाम आएगा उसकी जांच होगी, करेंगे क्या, 5 करोड़ की बात आई है, 5 करोड़ पांच करोड़ की बात आई है भाई, हिस्सेदारी की क्या बात थी, कौन सा 5 करोड़, ले लिया आपने, नैतिकता बची है, अखिलेश यादव को 5 करोड़ रुपए दिए हैं, अश्विनी भाई आप तो वापस नहीं कर रहे हैं हमारा, अरे अश्विनी भाई आप तो समर्थन मत दीजिए, आप तो कम से कम जमीनी कार्यकर्ता है, ऐसे भ्रष्टाचार को आप तो समर्थन मत दीजिए जी। ठीक है, ठीक है, प्रवक्ता आप, प्रतपाल भाई बहुत देर से आप उंगली उठा रहे थे भाई, मुस्कुरा भी रहे, बोल दीजिए जी। मैं उंगली इस बात को उठा रहा हूँ जी कि जब शाही जी बोल रहे थे तो एक सामाजिक कार्यकर्ता उनके आंकड़ों को याद दिला रहे थे, तो शाही जी को गुस्सा आ रहा था, और जब शाही जी को लगा कि 11.5 करोड़ रुपए उनके दिए गए हैं, रिकवरी नहीं हो रही है, ये बात जब इनके जहन में पहुंची तो शाही जी पलट गए। शाही जी ने कहा देखिए ऐसी बातें होती हैं और हम लोग जांच करा रहे हैं। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊं, 2017 जब दिल्ली एमसीडी का चुनाव था तो अमित शाह कैमरे के सामने, टीवी के कैमरे के सामने आके कहते हैं कि जो हमारे पार्षद थे दिल्ली के, 200 से ज्यादा पार्षद उस समय थे भारतीय जनता पार्टी के, वो सबों ने दिल्ली वासियों को लूटा है, और हम लोगों ने पता लगाया, हम लोग ने आंतरिक जानकारियां प्राप्त की कि वो सारे पार्षद जो थे वो गलत थे। अच्छा, उन लोगों को टिकट इस बार नहीं देंगे, नए पार्षद चेहरे आपको देंगे। अच्छा, लोगों ने फिर मौका दिया उनको, फिर क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने लूटा, अंतोगत्वा जनता ने कहा, दिल्ली की जनता ने, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता झूठ बोलते हैं, जब फंस जाते हैं तो शाही जी की तरह कहने लगते हैं, भाई जांच कराएंगे, पता लगाएंगे। अभी शाही जी ने एक बात कही तो विवेक पांडे जी हमारे भाई हैं, छोटे भाई हमारे हैं समाजवादी पार्टी से, उन्होंने कहा कि ये जो है वहां पे जो हत्या की गई है, इस पे शाही जी ने जवाब दिया कि हमारे लोग जो है जनता के सामने सिलेंडर और ये सब चीजों लोग के बैठ जाते थे, मगर समाजवादी पार्टी ने पिछले 6 साल से एक भी महंगाई के ऊपर कोई भी
प्रदर्शन नहीं किया। अच्छा। वो तो समाजवादी पार्टी के पोल नहीं खोल रहे, अपनी पार्टी की पोल खोल रहे। अच्छा। एक तरफ वो कह रहे महंगाई नहीं हुई। अच्छा। फिर ये कह रहे कि 6 साल से प्रदर्शन नहीं हुआ। हाँ। तो एक बात तो सही होगी ना। अरे भाई, जनता के मुद्दे आप उठा रहे हैं क्या? हाँ। प्रदर्शन हुआ तो बता दीजिए, इसका मतलब महंगाई नहीं है। मैंने आपके बीच महंगाई के आंकड़े मैंने आज कह रहे महंगाई नहीं तो बता नहीं रहे। पर भाई, अरे आप सुन लीजिए, बोल रहे हैं आप भी सुन लीजिए जी। अरे शाही जी सुन लीजिए। हाँ। आपको सुनने का मादा होना चाहिए, अभी आप खुद अपनी बातों में फंस रहे हैं। हाँ। मैं सुन रहा हूँ और आपका जवाब भी दे रहा हूँ। और चार उंगलियां भारतीय जनता पार्टी के पे ऊपर उठ रही है, महंगाई आपने बढ़ाई। जवाब लेता हूँ, जवाब लेता हूँ। गलत आंकड़ा आपने देश के सामने रखा जी। गौरव जी, इन्होंने कहा कि 2014 में सिलेंडर 1000 कुछ का था। अच्छा। अरे शर्म कीजिए साहब, 440 रुपए का हुआ था। स्मृति ईरानी सड़क पे उतर गई थी। 1241 रुपए का था भाई, 440 रुपए में बेच रहे हैं। झूठ का पुलिंदा है आप लोगों का। 1 जनवरी 14 को देख लीजिए गूगल खोल के, नहीं तो मैं गौरव भाई को भेज देता हूँ। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर गई थी, प्याज के रेट ऊपर हुए थे। कहाँ 1240 रुपए सिलेंडर था पहले? 1 जनवरी 2014 को 1241 रुपए का सिलेंडर था। मगर एक सामाजिक कार्यकर्ता आपको बता रहा है कि आप रिकवरी की बजाय आप उल्टा उनको पैसे दे रहे हैं। हाँ। वो बार बार ट्वीट कर रहे हैं कि ये कूड़े के पहाड़ है। हाँ। ये नाली भजभजा रही है। हाँ। क्या वहाँ सफाई, उसमें जवाब देना चाहिए। आम आदमी पार्टी तो वो ग्रीन कार्पेट पर चल रही थी और जितना भाजपा ने कूड़ा साफ किया उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं था। लगातार बोले जा रहे हैं। सेल्फी पॉइंट कहाँ चला? वो एक सामाजिक कार्यकर्ता आपको आईना दिखा रहे थे, तब आपको बीच में मिर्चा लग रही थी क्योंकि वो आपको सच बात बता रहे थे। भारतीय जनता पार्टी का जो झूठ दिल्ली वालियों ने, दिल्ली वासियों ने हटाया। हाँ। वही उत्तर प्रदेश की धरती पे भी आम आदमी पार्टी आएगी, वो नारा होगा हाउस टैक्स हाफ और पानी बाप, और इसी के ऊपर आम आदमी पार्टी उतरेगी। ठीक है। और दिल्ली के जैसे सिंह वाली पार्टी के हैं क्या, नगर निगम को ध्वस्त करेंगे। अश्विनी भाई जल्दी जल्दी तुरंत जो है एक मिनट जवाब दीजिए, फिर प्रवक्ता रालू को लेता हूँ। बोलिए प्रपाल जी की बात का जवाब दीजिए। इनकी बात मैं ठीक से सुन नहीं पाया, लेकिन मैं अभी भी बता दे रहा हूँ। हाँ। कि 1241 रुपए का सिलेंडर था। हाँ। और ये लोग कूड़े का पहाड़ अभी भी दिल्ली में, जिस पर ये चुनाव के पहले चढ़ा करते थे और अभी भी ग्रीन कार्पेट पर घूम रहे थे, एक इंच नहीं खिसका पाए, एक इंच। और बाकी स्कूलों की स्थिति बता देता हूँ, स्कूलों में टीचर नहीं, स्कूलों में बच्चे नहीं, 70% बच्चे जो है फेल, यही स्थिति है। ये लोग क्या करेंगे, ये तो भ्रमित कर रहे हैं देश को भाई, आम आदमी पार्टी वाले भ्रमित कर रहे हैं। हो गया। 1240 रुपए का सिलेंडर नहीं था। अच्छा। सुनी भाई, ये आप जरा सांकड़ा अपना ठीक कर लें। 1241 का 1241 नहीं था, 1230 नहीं था, 1260 नहीं था, 460 रुपए सिलेंडर उसमें दुनिया भर के आफत। 1 जनवरी 2014 को 1241 रुपए था। आप खोज लीजिएगा। अच्छा, मैंने खोज लिया, दूसरी मेरे पास है। गौरव जी, मैं आपको भेज दूंगा। हाँ, भेज दीजिएगा, हम लोग अगर भेज दीजिएगा आप। देखिए, इंडियन ऑयल का, इंडियन ऑयल का आंकड़ा मैं भेजूंगा आपको। एक मिनट आप भेजिएगा। देखिए जी, आटा जो आपने कहा कि मैंने 200 रुपया तेल 11 में खरीदा, गलत बात है। अच्छा। ये भी ठीक नहीं है। अच्छा। ये भी आपके, आपके गलत है। बता दीजिए क्या रेट था। आप हम लोग भी तेल खाते हैं जी। हम लोग नहीं, मैंने खरीदा है भाई। और सुनिए, आप माल नहीं, हम लोग गांव के रहने वाले हैं। आंकड़े गलत ना बताएं। एक मिनट, सरसों का रेट बताइए क्या है आज के दिन का, बताइए। नगर निगम चुनाव पर है, अभी आपने कहा सरसों का रेट बताइए। आप सरसों का रेट बताइए। इस समय सरसों का रेट 5200 कुछ रुपए है, है ना? हाँ, 5200 कुछ है ना। आपने 4 साल पहले क्या हुआ करता था? आप साथ भाई, ये कौन दे रहा है? अडानी दे रहा है। आप बताइए, आप 200 रुपया किलो तेल बेचेंगे, आप खाद बढ़ाएंगे, आप बिजली बढ़ाएंगे, आप किसानों के दाम बढ़ाएंगे। किसानों का अगर बढ़ रहा है तो दिक्कत हो रही है, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। हम किसानों को बढ़ा कर दाम दे रहे हैं, उसका समर्थन मूल्य बढ़ रहा है। पहले 2000 रुपए से ऊपर नहीं बिकता था, अब 5,000 अगर बता रहे हैं आप, तो देखिए किसानों को फायदा हो रहा है। आप किसानों के समर्थन नहीं है, आप किसान विरोधी है। आप किसान विरोधी है, आप खाद का दाम बढ़ा दिए।
आप किसान विरोधी है भाई, आप दुनिया किसान विरोधी है, इस वजह से चिल्लाने से नहीं होता है, चिल्ला नहीं रहा हूँ, आप किसान विरोधी है तो आप सरसों का दाम बढ़ा हुआ अच्छा नहीं लग रहा आपको, तेल का दाम आपको बढ़ा हुआ अच्छा लग रहा है, अभी सरसों के तेल के दाम के हिसाब से किसानों का दाम नहीं मिल रहा। अच्छा, आप खाद का दाम बढ़ा दिए, आप बिजली का दाम बढ़ा दिए, आप खर्चे बढ़ा दिए, आपने यूरिया कम कर दिया, आप क्या बात करते हैं? चलिए, अभी आपने कहा अतिक्रमण, जब अतिक्रमण हटता है तो विपक्ष के लोग रोकते हैं जी, सुनिए, आप भी विपक्ष में हुआ करते थे जी, मैं सिंचाई बंधु समिति का उपाध्यक्ष था जी, गोरखपुर का रहने वाला हूँ जी, इलाहीबाग से बंधा जाता है गोरखपुर नौसड़ चौराहे पर मिलता है जी, हम लोग उस बंधे से अतिक्रमण हटाना चाहते थे जी, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारा के विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने उसको नहीं हटने दिया, वो हटा कि नहीं हटा, इलाहीबाग वाला हटा कि नहीं हटा, नहीं हटा, आज जाकर देखिए, अरे हम रोज हम जाते हैं, हम 15 दिन का गोरखपुर नहीं हटा, आप गलत बात टीवी पर के मत, वहाँ सड़क बन गई भाई, लेकर वहाँ तक सड़क बन गई है, कहाँ है सड़क, हमने बनवाई, हमने सिंचाई मंत्री था मेरा, वो सड़क हमने बनवाई, आप मेरा न करें, मेरा क्या प्रदेश का, नहीं नहीं नहीं, अब आप उसकी रिपेयर करा दिए, नहीं नहीं मेरा था या प्रदेश का था, नहीं नहीं वही राष्ट्रीय लोकदल का मंत्री था, वो सड़क मैंने, अच्छा सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, दूसरी चीज आपके वहाँ जल भराव में क्या समस्या है कि आपकी सरकार में पंपों पे डीजल का घपला हो रहा है, लीजिए जो पंप लगे हैं वो नहीं चलते, सुनी जी आप उसको दिखा लीजिए, आप उसका सर्वे करा लीजिए, हम लोगों ने उसके सर्वे कराए हैं, उस पर कितनी कार्रवाई हुई है और सारे जल जमाव खत्म हो चुके थे, फिर शुरू हो गए, मैं एक बार आपके इसी चैनल पे बैठ के उन्हें लिख के भी दिया है कि ये पंप हाउस एक विभाग को दे दिया जाए, या तो सिंचाई विभाग को दे दिया जाए या नगर निगम को ही बंधा दे दिया जाए जी, वो पंप हाउस तो वो चलेगा, जुड़वा रहा हूं, दो लोगों के उसमें जल जमा होता है, आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते, आप सही चीजों पर काम नहीं करते और आंकड़े बैठ के बताते हैं बिला वजह के जो गलत है, सड़क नहीं बनी है तो बताइए आप, बंधा नहीं का अतिक्रमण नहीं हटा है, कहाँ हटा है, आप जाके देखिए हटा है, वहाँ दीवाले बनानी पड़ी, अरे भाई, अरे सोनी जी वहाँ दीवाले बनानी पड़ी, अच्छा इसलिए दिवाली बनाने पड़ी कि ये लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटने दिया, अच्छा ठीक है, विवेक शर्मा आखिरी कमेंट आपका, सबके बारे में सुनिए, अश्विनी जी नमस्कार जी। फिर दोबारा से आपको नमस्कार कर रहा हूँ जी, आप मेरी बात को सुनते हैं और मानते भी हैं कि मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ जी, एक तो ये चाइनीज कंपनी के ऊपर जो 11.5 करोड़ रुपए जो दिया गया है जी, इसको वापस मंगवाइए, और आप ही के जो यहाँ का जो मेन अधिकारी है उसी ने पेमेंट किया है उसको, अच्छा इसको जरा दिखवा लीजिएगा, उसके ऊपर वैसे कोई कार्यवाही हुई नहीं है और ना कभी हो पाएगी, ना कोई सरकार नहीं, वो चालू है, वो सर नहीं होगी, सर नहीं होगी, प्रमुख सचिव है आपके यहाँ के, प्रमुख सचिव है नगर विकास के, नाम भी बता रहा हूँ, उन्होंने 11.5 करोड़ का दिलवाया है और आप सरकार कुछ नहीं कर सकते, सर सर अब एक दो मिनट लगे थे बीएन सिंह नोएडा से हटा दिए गए थे, सर एसीएस साहब ने किया है, मैं आपको बता रहा हूँ, नाम भी बता रहा हूँ, क्योंकि ये पेपर, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, पेपर बोल रहा है, एसीएस साहब के कहने पर ही उसको पेमेंट किया गया, दूसरी चीज अगर सर गलत होगा तो एसीएस साहब हो या कोई हो सर कार्यवाही होगी, अगर गलत होगा तो कार्यवाही, सर शर्मा जी बहुत काम कर रहे हैं तो कम से कम कह दीजिए जो सेल्फी पॉइंट बनवाए गए थे वो सेल्फी पॉइंट फिर दोबारा से पुनर्स्थापित कर दें, कम से कम हम लोग खड़े होकर इस समय पर जब वोट देकर आए तो वहां से विक्ट्री का साइन बना सके, क्या बात है, क्या बात है, आप सभी पर धन्यवाद, चुनाव के पहले आपको मिल जाएगा, वोटिंग के पहले तक, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण सी चर्चा थी, निकाय चुनाव की सरगर्मी भी चर्चा थी, निकाय चुनाव में पार्टी के एजेंडे की चर्चा थी कि जनता के लिए क्या कुछ मिलने वाला है 13 मई के बाद, क्योंकि यहाँ पर सरकार भी कुछ नया व्यवस्था लेके आ रही है, और विपक्ष बोल रहा है कि इस बार हम जो सरकार की कमियां हैं उससे अलग एक नई तरह की विकास की धारा बढ़ाएंगे, खैर यहां पर जनता जनार्दन बताएगी कि किसको क्या मिलना है, 13 मई को स्पष्ट हो जाएगा, पर मेरा मानना यह है कि जब जनता के लिए काम करेंगे तो मेरे ख्याल से वोट मांगने जाना ही नहीं पड़ेगा, व्यवस्था ऐसी बनाइए और ऐसे प्रत्याशी उतारिए कि कम से कम जिनका एक आधार हो, और अगर आपका नेता या आपका पार्षद बेहतर काम करता है या आपका अध्यक्ष अच्छा काम करता है या आपका मेयर अच्छा काम करता है तो मेरे ख्याल से ना मेयर बदलने की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको वोट मांगने की जरूरत पड़ेगी, काम बेहतर करिए, एक नज़ीर पेश करिए जनता के लिए, समाज के लिए, बेहतरी के लिए, क्योंकि जनता जनार्दन केवल वोट लेने के लिए नहीं बल्कि उनको काम के लिए भी उनको याद करिए, जनता जनार्दन एक आधार है देश का,
पर एक व्यवस्था है समाज की, जनता से ही लोकतंत्र जिंदा है और जनता से ही समाज जिंदा है। तो जनता के लिए काम करते रहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, दावे मत करिए, उन पर काम करिए। दावे होते रहते हैं और दावों की पोल खुल जाती है और ये पोल हम जैसे खबरन भी समय समय पर खोलते रहते हैं। सरकार बेहतर काम कर रही है पर कहीं ना कहीं अधिकारियों की हीला बहाली भी सबके सामने है। संक्रमण लोग हमेशा हर बरसात के बाद फैलता है, उस पर काम करना जरूरी है, नाली पे काम करना जरूरी है और जो तमाम मुद्दे उन सब पर काम करना जरूरी, क्योंकि यहाँ सरकार विधानसभा की नहीं, लोकसभा की नहीं, बल्कि गलियों की है। जब गलियाँ दुरुस्त होगी, पार्क दुरुस्त होंगे, सफाई दुरुस्त होगी, तभी निकाय चुनाव का होना सार्थक हो पाएगा। अन्यथा चुनाव कराते रहिए और सरकार बनाते रहिए या बदलते रहिए। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।